हेलो बच्चों, आज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जो बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स को कवर करने के लिए क्लास 12 के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसमें आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा पहला चैप्टर 12th क्लास का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, आपको इस बात को बहुत ही क्लियरली माइंड में रखना है। ये बताएगा कि जो मैनेजमेंट वर्ड है, जब कभी भी मैनेजमेंट किया जाता है तो उसका नेचर क्या है, यानी कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, एक ये कंसेप्ट रहेगा इस सेक्टर में। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि जो मैनेजमेंट है उसको जब कंपनी करती है या कोई इंस्टीट्यूट करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए वो करता है, तो उस समय उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है उस चैप्टर को करने की। ठीक है, इस बात को देखना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले शुरू करेंगे एक वर्ड के साथ, और वर्ड क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या मतलब होता है इस वर्ड का? मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं दूसरों की सहायता से तो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला गया है, मैनेजमेंट। लेकिन ये जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इसका मतलब सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। वी कैन से दैट ये जो वर्ड लिखे हैं थोड़े ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं। ये थोड़े क्या है, ट्रेडिशनल वर्ड्स। जमाना जिस तेजी से बदल रहा है व्यापार भी उसी तेजी से बदल रहा है। व्यापार को आपको बदलना पड़ेगा जमाने के साथ। अगर आप लोग जो टाइम में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने व्यापार के अंदर चेंज नहीं करेंगे तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप सब जने जानते हैं, नोकिया मोबाइल एक टाइम पे मार्केट का हीरो हुआ करता था, लेकिन जमाने की नीड थी एंड्रॉयड और कंपनी चली गई किसके ऊपर, विंडोज के ऊपर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 70-75% शेयर मार्केट कवर करती थी नोकिया कंपनी, एंड्रॉयड मोबाइल या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को अपनाने की बजाय जब उसने विंडो को अपनाया तो पूरी की पूरी वर्ल्ड की मार्केट उसके हाथ से निकल गई। कहने का मतलब चेंज भी करना है लेकिन राइट डायरेक्शन में चेंज करना है। इसी वजह से जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है उसके अंदर भी समय के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव किए गए हैं, और वो बदलाव क्या है वो जरा देखते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर मैं आज के अकॉर्डिंग डिफाइन करने की कोशिश करूं तो पहली बात तो मैनेजमेंट आज एक प्रोसेस बन चुका है। मैनेजमेंट आज एक प्रोसेस बन चुका है। मैनेजमेंट सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर कई सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहली बात, जब कभी भी क्या वर्ड लिखा रहता है, प्रोसेस, तो आप सबको ये ध्यान रखना है प्रोसेस में क्या होगा, कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है, कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वर्ड यूज हो जाती है। उसके बाद कहते हैं काम को कंप्लीट करना है।
ठीक है, जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन किस मैनर में, ईदर इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर, या तो इफेक्टिव मैनर हो या फिर एफिशिएंट मैनर हो। सर आज अगर आपको टास्क दिया गया है कि आपको 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना है, तो सर 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पेपर पूरा करा आपने 4 घंटे के अंदर, सर उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाती, क्योंकि जो आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर ही आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा। सब बच्चे 3 घंटे के अंदर पेपर का जो टास्क दिया है 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, आप 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर रहे हो सर, तो ध्यान रखिए आपके पेपर को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, बिकॉज आपने स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम को कंज्यूम करा है। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ड है, मतलब आपको पता होना चाहिए, 2 से 3 वर्ड को समझते जरा। पहला वर्ड है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या, यानी कि मैनी एक्टिविटीज विल परफॉर्म, काफी सारी क्रियाएं है। आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कोई एक एक्टिविटी नहीं, काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। दूसरी बात इफेक्टिव, सर इफेक्टिव का मतलब होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन टास्क जो उसको दिया गया है कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, दिए गए टास्क को दिए गए समय के अंदर अगर पूरा कर दिया जाता है तो उसे से क्या करेगा, इफेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट एफिशिएंट, याद रखें आपको एफिशिएंट का मतलब क्या, कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम रिसोर्सेस, विद मिनिमम रिसोर्सेस। आपको यहां पे ध्यान रखना है, आपको टास्क तो पूरा करना ही है सर, लेकिन जो अपने रिसोर्सेज है उसको भी कम से कम यूज करना है, उसकी जो वेस्टेज है वो कम से कम करनी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, बच्चों आपको जब एग्जाम दिया जाता है 3 घंटे का कंप्लीट करने के लिए, एग्जाम दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि भाई, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है 3 घंटे का कंप्लीट करने के लिए कि भाई 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन पेपर, तो अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में पूरा करा, ठीक है 3 आवर्स में वो आपने कंप्लीट करा, तो सर आपको कहा जाएगा इफेक्टिव, क्योंकि आपने जो टास्क कंप्लीट करा है वो ऑन टाइम कंप्लीट करा। ठीक है, लेकिन अगर वही पेपर किसी बच्चे ने पूरा 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स उसके आए हैं, 100 मार्क्स आपके आए हैं सर, लेकिन उसने क्या करा 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया, यानी कि उसने अपना आधा घंटा, यानी कि जो समय है, जो टाइम है, हाफ एन आवर है, उसने वो सेव कर लिया। और यहाँ मैं जब बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले यही बताता हूँ बच्चों कि व्यापार के अंदर जितना जरूरी पैसा है उतना ही जरूरी आपका समय भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कोई भी अपना टास्क कंप्लीट करा है, लेकिन मिनिमम रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टास्क कंप्लीट कर लिया, मिनिमम रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टास्क कर लिया, यानी कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आपने अपने जो रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट होने नहीं दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या बोला जाएगा, एफिशिएंट। तो बच्चों आज की जो डेफिनेशन होती है मैनेजमेंट की, वो सिंपल सी बात ये कहती है कि मैनेजमेंट का मतलब है दूसरों से काम कंप्लीट करवाना, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, या तो इफेक्टिव मैनर में हो या फिर एफिशिएंट मैनर में। अगर आपने वो टास्क सही टाइम पे सही रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट नहीं कराना, तो विश्वास मानिए कोई भी कंपनी आपको रिटेन करना नहीं चाहेगी। आज आप कंपनी को अपने कंपिटेंट एम्प्लॉय चाहिए,
ऐसे इंप्लॉइज नहीं चाहिए जो उसके ऊपर लाइबिलिटी बन जाए। सर कंपनी वांट्स देयर एम्प्लॉय टू बिकम देयर एसेट्स, कि वे वो उनके एसेट्स बन जाए। ये लाइन आपको सबको याद होगा कि भैया जो कंपनी है उसके सबसे ज्यादा वैल्यूबल एसेट्स जो होते हैं वो उसके इम्प्लॉयज होते हैं। इम्प्लॉयज आर द मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर आप रिलायंस को देखते हैं, इतने टॉप मोस्ट पर है, टाटा को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेज़न को, सर तो उनके इम्प्लॉयज की वजह से। इम्प्लॉयज हैं तो वो हैं, इम्प्लॉयज नहीं हैं तो वो नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए, देन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। अब जब आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, कि हम जो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बड़ी सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। आपका घर हो या हॉस्पिटल हो या इंस्टीट्यूट हो कोई, या कोई एजुकेशनल स्कूल हो, या मतलब कुछ भी ऐसा हो, कोई भी जहाँ पर कई सारे पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, मैनेजमेंट वहीं पर होगा जहां पे मोर देन वन पर्सन काम कर रहे हो। ठीक है, और मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास एक सर्टेन डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी है। जब तक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होगी, जब तक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होगी, सर मैं आप लोगों को इस बात को समझा दूं कि आप तब तक मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। और अगर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे सर, तो इतनी सारी एक्टिविटीज, इतना सारा एफर्ट्स लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं और इनका किस तरीके से क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। यहां पे जो जो स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक चीज क्लियर रखें अपने माइंड में कि अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो आपके पास कोई गोल जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है सर, तो मैनेजमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। कोई इसको एम भी बोल सकता है, कोई इसको एंडिंग पॉइंट भी बोल सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, वेरियस एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाएगी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाएगी बाय ऑर्गेनाइजेशन towards achieving particular goal, किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। मुझे एक बार 2015-16 के अंदर सुजुकी कंपनी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अभी हमारा मार्केट शेयर बाइकों की फील्ड में 2% है, लेकिन हम चाहते हैं आने वाले 24 महीनों के अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर, हमारा जो मार्केट शेयर है वो लगभग 5-7% हो जाए। तो उसी वजह से और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुजुकी कंपनी ने, ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर बाइकों की फील्ड में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि आप सबको याद होगा, जितने भी यंग स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, जिक्सर बाइक निकाली थी जो यंग स्टूडेंट्स के अंदर या यंग लोगों के अंदर बड़ी पॉपुलर हुई थी।
फिर उसके बाद एक और बाइक लॉन्च हुई थी, इंट्रूडर कुछ करके नाम था, इंट्रूडर करके कुछ नाम था, वो भी बड़ी पॉपुलर हुई थी। और यस जो सुजुकी कंपनी का मार्केट शेयर था ना सर, वो 5.5-6% तक आ चुका था 24 महीनों के अंदर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपके पास कोई पर्टिकुलर एम जरूर होना चाहिए जिसके लिए आप इतनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो जो टाटा कंपनी है उसका भी एक एम है कि भैया हमारे को जो गाड़ियों की फील्ड है ना उसमें अपने मार्केट शेयर को कवर अप इंक्रीज करना है। अगर आप देखो तो आप लोग टाटा कंपनी लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है अपने डिजाइन में, अपने टेक्नोलॉजी में। जब से उसने कह दीजिए कि भाई क्या ये जो भी अपने जैगवार है या फिर यह लैंड रोवर है, इन सबको टेक ओवर करा, उसके बाद से लगातार कंपनी अपने डिजाइन, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बिल्ड क्वालिटी में और जो जो अपने वो टेस्ट करवा रही है सेफ्टी को लेकर, आप सबको पता ही बात कि जो टाटा नेक्सॉन है, टाटा एल्ट्रोज आई है, टाटा हैरियर आई है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द टाटा कंपनी विच हैव बीन गिवन 5-star रेटिंग, जो कस्टमर की रिलायबिलिटी, कस्टमर के लिए रिलायबिलिटी क्रिएट करते हैं कि हाँ जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो तो बड़ा रिलायबल प्रोडक्ट है। तो एक गोल होना चाहिए आपका, एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपको सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, मैनेजमेंट दोनों ही प्रकार के ऑपरेशन में होगा, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सर जो के कहते हैं मैनेजमेंट है वो दोनों ही प्रकार के ऑपरेशन होगा, क्योंकि कई यहाँ पर इसमें जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसमें भी कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। ठीक है, तो इसी से जुड़ता हुआ अगला पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, मैनेजमेंट इज ऑल पर्पस। मैनेजमेंट जो है वो सर्वव्यापी है, यानी कि मैनेजमेंट हर एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। ठीक है, चाहे वो स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या कोई कंपनी हो या एनजीओ हो, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मैनेजमेंट देखना मिलेगा। ठीक है।